नंबर वन डैश एक प्रत्ययुक्त शब्द अटे निम्नलिखित मध्य क्योंटि गोटे प्रत्ययुक्त शब्द अटे ऑप्शन ए विशेष्य ऑप्शन बी विशेषण ऑप्शन सी समास ऑप्शन डी क्योंटि नुहे तो राइट आंसर टी कौन है देखो तो विशेष्य हूँ गोटे प्रत्ययुक्त शब्द तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर नंबर टू संज्ञावाचक विशेष्य एम क्या बुझाए ऑप्शन ए निर्दिष्ट नाम को ऑप्शन बी गुण को ऑप्शन सी ए ओ बी उभय को ऑप्शन डी क्योंटि नुहे तो राइट आंसर टी कौन है देखो तो संज्ञावाचक विशेष्य कहले कौन बुझाए आम जाणीचे जे जो विशेष्य पदटी निर्दिष्ट नाम को बुझाए ताक संज्ञावाचक विशेष्य कहुए तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर संज्ञावाचक विशेष्य निर्दिष्ट नाम को बुझाए ऑप्शन ए हे राइट आंसर नंबर थ्री अहिंसा शब्दी के विशेष्यर अंतर्गत देखु ये शब्द अहिंसा यह गोटे क्यों प्रकार विशेष्य पद ऑप्शन ए साधारण विशेष्य ऑप्शन बी गुणवाचक विशेष्य ऑप्शन सी पदार्थवाचक विशेष्य ऑप्शन डी एकक विशेष्य तो राइट आंसर टी कौन है जो मैंने थ्योरी क्लास करेंगे से मैंने जाथे जे अहिंसा हूँ गोटे गुणवाचक विशेष्य तो ऑप्शन बी हे राइट आंसर जो विशेष्य पदटी कौन सी गुण को बुझाई ताकू आम कौन कही था गुणवाचक विशेष्य कही था नंबर फोर कोयला शब्दटी की प्रकार विशेष्य अटे तो ये शब्द कोयला यह गोटे क्यों प्रकार विशेष्य अटे ऑप्शन ए जातिवाचक विशेष्य ऑप्शन बी समष्टिवाचक विशेष्य ऑप्शन सी वस्तुवाचक विशेष्य ऑप्शन डी संज्ञावाचक विशेष्य तो राइट आंसर टी कौन है ये कोयला गोटे क्यों प्रकार विशेष्य अटे आम जाणीचे जे कोयला हूँ गोटे वस्तु एवं जो विशेष्य पदटी कौन सी वस्तुर नाम को बुझाए ताक आम वस्तुवाचक विशेष्य बोली कही था तो ऑप्शन सी हे राइट आंसर जो मैंने थ्योरी क्लास करना से मैंने प्लेलीस्ट चेक करके ओडिया ग्रामर समस्त क्लास करें नंबर फाइव एथिमध्यरु क्रियावाचक विशेष्य पदटी केउटी ऑप्शन ए सरलता ऑप्शन बी उदारता ऑप्शन सी दारिद्र्य ऑप्शन डी दर्शन तो राइट आंसर टी कौन है एथिमध्यरु क्रियावाचक विशेष्य केउटी आम जाणीचे दर्शन हूँ गोटे क्रियावाचक विशेष्य तो ऑप्शन डी हे राइट आंसर नंबर सिक्स कन्हई गोरुपल नहीं गोठकू गला रेखांकित पदटी क्यों विशेष्यर अंतर्गत देखु एठार गोरुपल शब्दी क्यों प्रकार विशेष्य अटे ऑप्शन ए क्रियावाचक विशेष्य ऑप्शन बी समष्टिवाचक विशेष्य ऑप्शन सी गुणवाचक विशेष्य ऑप्शन डी जातिवाचक विशेष्य तो राइट आंसर टी कौन है देखु एठार गोरुपल शब्दी गोटे समष्टि को बुझाऊँ तो से गोरुपल कौन है गोरुपल गोटे समष्टिवाचक विशेष्य हे तो ऑप्शन बी हे राइट आंसर नंबर सेवेन धान गदारे निया लागिगला रेखांकित शब्दटी की प्रकार विशेष्य अटे एठार देखु धान गदा ए धान गदा गोटे क्यों प्रकार विशेष्य अटे ऑप्शन ए संख्यावाचक ऑप्शन बी समष्टिवाचक ऑप्शन सी एकक विशेष्य ऑप्शन डी क्रियावाचक विशेष्य तो राइट आंसर टी कौन है ए धान गदा गोटे क्यों प्रकार विशेष्य अटे आम जाणीचे जे धान गदा गोटे कौन बुझाऊँ ना धान गदा गोटे समष्टि को बुझाऊँ तो से धान गदा गोटे कौन है समष्टिवाचक विशेष्य हे तो ऑप्शन बी हे राइट आंसर धान गदा हूँ गोटे समष्टिवाचक विशेष्य नंबर एट चंद्र आज विलंबरे उदय हेबो रेखांकित शब्दटी क्यों विशेष्य देखु एठार उदय ए उदय शब्दटी क्यों प्रकार विशेष्य अटे ऑप्शन ए संज्ञावाचक विशेष्य ऑप्शन बी क्रियावाचक विशेष्य ऑप्शन सी समष्टिवाचक विशेष्य ऑप्शन डी क्योंटि नुहे तो राइट आंसर टी कौन है चंद्र आज विलंबरे उदय हेबे एठार उदय शब्दटी हेबो गोटे क्रियावाचक विशेष्य तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर नाइन शैशव कैशोर जौवन और जरा शब्द गुड़िक क्यों प्रकार विशेष्य पद अटंती ऑप्शन ए अवस्थावाचक ऑप्शन बी वस्तुवाचक ऑप्शन सी नामवाचक ऑप्शन डी क्योंटि नुहे तो राइट आंसर टी कौन है आम जाणीचे जे शैशव कैशोर जौवन और जरा ए पद गुड़िक गोटे अवस्था को सूचाऊँ तो से गुड़िक कौन है ना एगुड़िक हे अवस्थावाचक विशेष्य तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर आम जाणीचे जे जो विशेष्य पदटी कौन सी अवस्था को बुझाई थाए ताक आम कौन कही था अवस्थावाचक विशेष्य बोली कही था तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर नंबर टेन कालिदास संस्कृत भाषा रे पांडित्य अर्जन करिथिले पांडित्य शब्दटी की प्रकार विशेष्य पद देखंतु कालिदास संस्कृत भाषा रे पांडित्य अर्जन करिथिले एठारे पांडित्य शब्दटी गोटे क्यों प्रकार विशेष्य पद अटे ऑप्शन ए अवस्थावाचक ऑप्शन बी
क्रियावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी समष्टिवाचक। तो राइट आंसर टी कौन है, कालिदास संस्कृत भाषा रे पांडित्य अर्जन करिथिले। एठारे पांडित्य कौन सूचाउची ना पांडित्य गोटे गुण को बुझाउची, तो सेथिपाई पांडित्य गोटे कौन है गुणवाचक विशेष्य हेबो, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। जदि ए क्लास टी आपण मानको भल लगुची तो गोटे लाइक करी एवं चैनल को सब्सक्राइब करी सपोर्ट करंतु। नंबर 11 समुद्रगुप्त भारतर नेपोलियन रूपे परिचित, एठारे नेपोलियन शब्दटी की प्रकार विशेष्य पद, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी समष्टिवाचक, ऑप्शन सी नामवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो राइट आंसर टी कौन है, जो मैंने भी थ्योरी क्लास करिथिबे सेमानकु एक सेकंड भी लगे नथिबो यार आंसर जानवापी। तो समुद्रगुप्त भारतर नेपोलियन रूपे परिचित, एठारे नेपोलियन गोटे कौन है नेपोलियन हे गोटे जातिवाचक विशेष्य, तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 12 कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहुए, रेखांकित शब्दर विशेष्य निर्णय कर। देखु एठार गंगा गोटे क्यों प्रकार विशेष्य अटे, ऑप्शन ए नामवाचक विशेष्य, ऑप्शन बी संज्ञावाचक विशेष्य, ऑप्शन सी जातिवाचक विशेष्य, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है, कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहुए, तो गंगा गोटे कौन है गंगा हे जातिवाचक विशेष्य। देखो आम जाचे जदि कावेरी गोटे क्यों प्रकार विशेष्य कही था तो कौन होता, कावेरी हूँ गोटे नामवाचक विशेष्य, किंतु गंगा कौन है गंगा एठार हे गोटे जातिवाचक विशेष्य, तो ऑप्शन सी हे राइट आंसर। नंबर 13 चासी दारे धान काटुची, दा की प्रकार विशेष्य, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी अवस्थावाचक, ऑप्शन सी वस्तुवाचक, ऑप्शन डी क्रियावाचक। तो राइट आंसर टी कौन है, चासी दारे धान काटुची, आमे जानी दा हे गोटे वस्तु, तो दा गोटे कौन है वस्तुवाचक विशेष्य हे, तो ऑप्शन सी हे राइट आंसर। नंबर 14 विंध्य पर्वत ओडिशार कपिलास ठार उच्चतर, रेखांकित शब्दटी क्यों प्रकार विशेष्य, एठार विंध्य शब्दटी क्यों प्रकार विशेष्य अटे, ऑप्शन ए संज्ञावाचक, ऑप्शन बी वस्तुवाचक, ऑप्शन सी क्रियावाचक, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है, आम जाचे जे जो विशेष्य पदटी कौन सी निर्दिष्ट नाम को बुझाई थाए ताक आम संज्ञावाचक नामवाचक विशेष्य बोली कही था। एवं एठार विंध्य कौन है, विंध्य गोटी हे संज्ञावाचक विशेष्य, ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 15 खिचिंग रे पथर मूर्ति निर्मित हुए, वाक्यटी संज्ञावाचक विशेष्य पदटी को बाछी लेख। देखो ये वाक्यटी संज्ञावाचक विशेष्य पदटी केउटी, ऑप्शन ए खिचिंग, ऑप्शन बी पथर, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है, खिचिंग रे पथर मूर्ति निर्मित हुए, आम जाचे जे खिचिंग हूँ गोटे निर्दिष्ट स्थानर नाम, तो यठार खिचिंग हे गोटे संज्ञावाचक विशेष्य, तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 16 अतिथि माने कदळी पत्र रे भोजन कले, रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेष्य पद अटे। देखु अतिथि माने कदळी पत्र रे भोजन कले, एठार भोजन शब्दटी क्यों प्रकार विशेष्य पद अटे, ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी वस्तुवाचक, ऑप्शन डी क्रियावाचक। देखो ये भोजन शब्दटी गोटे गुणवाचक नुहे, जातिवाचक तो नुहे, वस्तुवाचक नुहे, तो भोजन कौन गोटे क्रियावाचक विशेष्य, तो भोजन कौन है गोटे क्रियावाचक विशेष्य, ऑप्शन डी हे राइट आंसर। नंबर 17 रामायण एक पवित्र ग्रंथ, ग्रंथ शब्दटी क्यों प्रकार विशेष्यर अंतर्गत, ए वाक्यटी रामायण एक पवित्र ग्रंथ, ए वाक्यटी ग्रंथ गोटे क्यों प्रकार विशेष्य पद अटे, ऑप्शन ए जातिवाचक विशेष्य, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक विशेष्य, ऑप्शन सी वस्तुवाचक विशेष्य, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ, आम जाचे जे एठार ग्रंथ हे गोटे जातिवाचक विशेष्य, तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 18 जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को प्रकाश करे ताहाकु कौन कह जाए, ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अव्यय। तो राइट आंसर टी कौन है, जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को प्रकाश करे ताहाकु कौन कह जाए ना ताहाकु विशेषण कह जाए, तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। मने रखंतु जे जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को प्रकाश करे ताहाकु विशेषण पद कह जाए, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 19 शिशुटीर दुर्बल शरीर देखी समस्ते दुख प्रकाश कले, एठार दुर्बल शब्दटी की प्रकार विशेषण अटे, ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी पूरणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी
अवस्थावाचक विशेषण। तो राइट आंसर टी कौन है, शिशुटीर दुर्बल शरीर देखी समस्ते दुख प्रकाश कले। आम जाणी जे एठारे दुर्बल शब्दी गोटे अवस्था को प्रकाश करुच्छे, तो से दुर्बल कौन है गोटे अवस्थावाचक विशेषण हे, तो ऑप्शन डी हे राइट आंसर। देखो यार पीडीएफ पाइबा जो मैंने चाहूंट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु। टेलीग्राम जॉइन है आपने समस्त क्लास पीडीएफ पाइपारे और भिडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना। नंबर 20, सैनिकटीर मनरे असंख्य भावना सृष्टि है। असंख्य शब्दी के विशेषण अटे, देखते ये वाक्यटी ए असंख्य शब्दी के विशेषण अटे। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण विशेषण। तो राइट आंसर टी कौन है, सैनिकटीर मनरे असंख्य भावना सृष्टि है। एठार असंख्य शब्दी संख्या को प्रकाश करुच्ची, तो से असंख्य कौन है असंख्य गोटे संख्यावाचक विशेषण हे, ऑप्शन सी हे राइट आंसर। नंबर 21, बहुत लोक जहिमिली रेखांकित शब्दी की प्रकार विशेषण अटे, देखते बहुत लोक जहिमिली एठारे बहुत शब्दी गोटे की प्रकार विशेषण, ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी अवस्थावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है बहुत लोक जहिमिली, एठारे बहुत शब्दी गोटे परिमाण को सूचाऊँच, तो से ऑप्शन सी हे राइट आंसर परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी हे राइट आंसर। नंबर 22, पंचु पांडवों मध्य अर्जुन तृतीय पांडव थे, रेखांकित शब्दी के प्रकार विशेषण को निर्देश करुच्छे, देखते ये वाक्यटी तृतीय ए पदटी के प्रकार विशेषण को निर्देश करुच्छे, ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी पूरणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है, देखते पंचु पांडवों मध्य अर्जुन तृतीय पांडव थिले। आमे ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे जानी जे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ए प्रकार शब्द को आमे पूरणवाचक शब्द बा पूरणवाचक विशेषण बोली कही था। तो एठारे तृतीय कौन है तृतीय मध्य गोटे हे पूरणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 23, चोरटी कादुआ रास्त जाऊ पड़गला, वाक्य मध्य अवस्थावाचक विशेषण पदटी को चिन्हाओ, तो ये वाक्यटी के अवस्थावाचक विशेषण को निर्देश करुच्ची ताकू जानवर अच्छी, ऑप्शन ए चोरटी, ऑप्शन बी कादुआ, ऑप्शन सी रास्ता, ऑप्शन डी पड़गला। तो राइट आंसर टी कौन है चोरटी कादुआ रास्त जाऊ पड़गला, तो देखू ए कादुआ शब्दी रास्तार अवस्था को सूचाऊँ, तो से कादुआ है गोटे अवस्थावाचक विशेषण, ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 24, अल्प धन विकल मन रूढ़ीटी अल्प शब्दी की प्रकार विशेषण अटे, अल्प धन विकल मन ए रूढ़ीटी अल्प शब्दी के प्रकार विशेषण अटे, ऑप्शन ए पूरणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो राइट आंसर टी कौन है अल्प धन विकल मन, तो यठार अल्प शब्दी गोटे परिमाण को सूचाऊँ, तो से अल्प कौन है गोटे परिमाणवाचक विशेषण हे, तो ऑप्शन सी हे राइट आंसर। नंबर 25, प्रथम धाड़ी बसी तृतीय पिलाटी मोर झी रेखांकित पद दुईटी के प्रकार विशेषण अटंती, देखु प्रथम धाड़ी बसी तृतीय पिलाटी मोर झी, तो ये वाक्य प्रथम एवं तृतीय ए दुईटी पद कि प्रकार विशेषण अटंती, ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी अवस्थावाचक, ऑप्शन डी पूरणवाचक। तो राइट आंसर टी कौन है प्रथम धाड़ी बसी तृतीय पिलाटी मोर झी, तो आम जाणी जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ए प्रकार शब्द होउची पूरणवाचक विशेषण, तो एठारे मध्य प्रथम एवं तृतीय कौन है पूरणवाचक विशेषण हे, तो ऑप्शन डी हे राइट आंसर। नंबर 26, निधि मऊसा बड़ कुहाड़िया लोक थे रेखांकित शब्दी के प्रकार विशेषण पद को निर्देश करुच्ची, तो ये वाक्यटी ए बड़ पदटी के प्रकार विशेषण पद को निर्देश करुच्ची, ऑप्शन ए तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण विशेषण, ऑप्शन सी अव्ययर विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम विशेषण। देखु निधि मऊसा बड़ कुहाड़िया लोक थे, आम जाणी जे कुहाड़िया हूँ गोटे विशेषण पद एवं ए विशेषण पद को आ गोटे पद बड़ ए विशेषित करुच्ची, तो से कौन है विशेषण विशेषण, ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 27, हिमालय पृथ्वीर उच्चतम पर्वत उच्चतम शब्दी के प्रकार विशेषण अटे, ऑप्शन ए अवस्थावाचक विशेषण, ऑप्शन बी तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी केउटी नुहे।
तो राइट आंसर कौन है हिमालय पृथ्वीर उच्चतम पर्वत आम जानी एठार तुलना हो उच्चतम हो गोटे तुलनात्मक विशेषण ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 28 विंध्य पर्वत हिमालय ठार क्षुद्रतर रेखांकित शब्दी क्यों प्रकार विशेषण अटे विंध्य पर्वत हिमालय ठार क्षुद्रतर एठार क्षुद्रतर पदटी क्यों प्रकार विशेषण अटे ऑप्शन ए तुलनात्मक विशेषण ऑप्शन बी परिमाणवाचक ऑप्शन सी गुणवाचक ना ऑप्शन डी केउटी नुहे तो राइट आंसर टी कौन है विंध्य पर्वत हिमालय ठार क्षुद्रतर देखो एठार तुलना ही होठार तुलनात्मक विशेषण हो क्षुद्रतर कौन है तुलनात्मक विशेषण ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 29 माटी हांडी सहजरे भांगी जाए रेखांकित तो शब्द दुईटी विशेष्य पद एठार क्यों विशेष्य पदटी विशेषण भाव व्यवहृत ऑप्शन ए माटी ऑप्शन बी हांडी ऑप्शन सी उभय ए ओ बी ना ऑप्शन डी केउटी नुहे तो राइट आंसर टी कौन देखो माटी हांडी सहजरे भांगी जाए आम जानी जे माटी मध्य गोटे विशेष्य पद एवं हांडी मध्य गोटे विशेष्य पद किंतु ए वाक्यटी गोटे विशेष्य पद विशेषण भाव व्यवहार हो तोटी देखो माटी हांडी केमिति हांडी ना माटी हांडी तो यठार माटी हे गोटे विशेषण पद तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 30 जेउ पद मानंकर लिंग विभक्ति वचन पुरुष बा कालर कौनसी परिवर्तन हुए नहीं ताहाकु कौन कहा जाए ऑप्शन ए कृदंत ऑप्शन बी विशेष्य ऑप्शन सी विशेषण ना ऑप्शन डी अव्यय तो राइट आंसर टी कौन है जेउ पद मानंकर लिंग विभक्ति वचन पुरुष बा कालर कौनसी परिवर्तन हुए नहीं ताहाकु कौन कहा जाए ताहाकु अव्यय कहा जाए ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। ए पर्यंत क्लासटी करुछंती तो आशा करुछि गोटे लाइक निश्चय करथिबे एवं सांगसाथी मानंक सहित शेयर करंतु एवं ओडिसा रो कोनोसी जॉब पई मध्ये प्रिपरेशन करुछंती तो डीआरएन क्लासेस को सब्सक्राइब करि नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करि रखंतु कारण आमे जेते बेले भी न्यू वीडियो टी अपलोड करिवु आपनंक पाखकु सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंची पारिबो एवं कमेंट से जणंतु क्लासटी किपरि लागिला धन्यवाद।